हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है रेड गियर का एलाइट V2 वायरलेस गेम पैड। ये इसका यूज़र मैनुअल है जिसकी हमें ज़रूरत तो नहीं है, बाद में देखेंगे इसे। सो गाइस, ये है एक्चुअल गेम पैड एंड इसे रखते थोड़ा साइड में। तो इसके साथ मिलता है एक चार्जिंग केबल और साथ में इसका रिसीवर, तो इसे रखते हैं साइड में। और बात करते हैं कंट्रोलर की, तो लुक वाइज तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसका वेट काफ़ी हैवी लग रहा है मुझे। तो बात करते हैं इसके फंक्शंस की, क्या क्या दिया हुआ है इसमें। पीछे साइड में आपको इसकी ब्रांडिंग एंड मॉडल नंबर वगैरह दिख जाता है, मेड इन चाइना का है ये। एंड यहाँ पर भी एनालॉग, टर्बो, स्टार्ट, सिलेक्ट ये ऑप्शंस दिए गए हैं। एंड इसमें नीचे के साइड में ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। ये प्लास्टिक मटेरियल है पूरा, बट अच्छी क्वालिटी लग रही है मुझे और लुक वाइज अच्छा दिख रहा है, ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग जो दी हुई है रेड गियर की, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। बैक साइड में यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है एंड तीन लाइट्स दी हुई हैं, ग्रीन वाली RX एंड रेड वाली मोड का, एंड एक और रेड लाइट है जो है आपका चार्जिंग का। इसके बॉक्स में देखते हैं, टू एनालॉग ये सब तो हमने पढ़ लिया, टर्बो मोड है, 12 डिजिटल कीज में आपका आ जाता है 444, तो ये आपके डिजिटल कीज़ हैं। और इसकी रेंज है 10 मीटर तक की इसकी रेंज है, जो कि बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है। बैक साइड में देखते हैं, इसमें ये आपका विंडोज़ पीसी एंड लैपटॉप में ही चलेगा, ये आपका मैक में यूज़ नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें ऐसा कहीं मेंशन ही नहीं है। वायरलेस है, 10 मीटर रेंज, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं दी हुई है। बॉक्स में बहुत सिंपल सा है। और इसका यूज़र मैनुअल देखते हैं, तो यूज़र मैनुअल में आपको की फीचर्स के बारे में दिया हुआ है, LR बटन जो सभी को पता है, डी पैड्स भी जानते हैं। इसके मैनुअल बुक में मेंशन किया हुआ है ये वाला बटन जो है वो आपका X परफॉर्म करेगा, ये Y, ये B एंड ये हो गया आपका A। चलिए इसे एक बार ऑन करके देखते हैं बैटरी है कि नहीं। तो ये इसमें लाइट जो है ब्लिंक कर रही है, मोड एंड RX का। और अगर बटन्स की बात करूं तो बटन्स काफ़ी स्मूथ है इधर के भी, एंड एनालॉग भी बहुत अच्छे हैं। कि आप इसका साउंड आपको आ रहा होगा, ये हैवी है बस, और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। ये थोड़ा सा हैवी लग रहा है मुझे यूज़ करने के लिए। सो गाइस, ये है मेरा पुराना वाला गेम पैड एंड आप देख सकते हैं इसमें यहाँ रीसेट बटन दिया हुआ है, तो फिर रीसेट बटन इसका यहाँ पर होना चाहिए। ओके, ये भी एलाइट है बट ये एलाइट V2 है और ये सिर्फ एलाइट है। इसके बटन्स भी काफ़ी अच्छे हैं, ये भी काफ़ी स्मूथ है। बट एक्चुअली में मैं इसे लगभग तीन साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका जो ये बटन है बहुत ज़्यादा फ्री हो गया है। हल्का सा ही अगर ये दब गया कहीं इतना भी, इसके फंक्शंस चालू हो जाते हैं। और इसका जो एनालॉग है ये थोड़ा सा फास्ट हो गया है, तो इस वजह से मैंने दूसरा वाला मंगाया, नहीं तो मुझे दूसरे की ज़रूरत भी नहीं थी। और इसका चार्जिंग पोर्ट जो है सेम है दोनों में, देखिए बस इसमें कोई लाइट वाइट नहीं दी हुई है। ये होम बटन है, यहाँ से इसे ऑन करते हैं, मैं इसे प्रेस करूँगा तो देखिए इसमें लाइट जलती है। और ये इसका कनेक्टर है, अगर हम इसे कनेक्ट कर देंगे तो इसकी लाइट जो है स्टेबल हो जाएगी। और यहीं से हमें बैटरी की इंडिकेशन पता चलती है कि बैटरी लो है या डाउन है। इसमें भी टर्बो बटन दिया हुआ है और इसका जो रिसीवर है काफ़ी बड़ा है। बाकी अगर इसके बटन्स की बात करूं तो ये भी बहुत स्मूथ हैं, अभी भी ये बटन्स काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। बस मुझे नीचे के जो बटन्स हैं वो और इसके एनालॉग्स में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने दूसरा मंगाया है। इसके मुकाबले इसका वेट कम है, काफ़ी कम है। दोनों को अगर मैं एक साथ रखता हूँ तो मुझे ये थोड़ा सा हल्का लग रहा है इसके मुकाबले, और साइज में भी थोड़ा सा शायद बड़ा हो सकता है ये, बट लुक वाइज ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है फिलहाल अभी। इसे एक बार चार्जिंग में लगा के देखते हैं। सो गाइस, इसका चार्जिंग पोर्ट भी प्रॉपरली काम कर रहा है, नहीं इसका केबल जो है ज़्यादा
टाइट भी नहीं है और ज़्यादा लूज़ भी नहीं है, और लाइट भी अच्छी जल रही है। गैस फ़िलहाल तो इसके बटन काफ़ी स्मूथ लग रहा है मुझे, बट इसे कनेक्ट करके मैं एक बार ट्राई करके देखूँगा, उसके बाद ही मैं बता पाऊँगा कि इसके जो बटन्स हैं प्रॉपरली कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं। सो गैस यही थी आज की अनबॉक्सिंग, रेड गियर का एलाइट V2 गेम पैड, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया हो तो मैं आपको इसका परचेसिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के परचेस कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे वीडियो जो हैं वो लोग देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।